हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि दिवाली बहुत ही नज़दीक है और दिवाली में घर घरों में मिठाइयाँ ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सरल, बहुत ही टेस्टी, इजी कोकोनट रोल की रेसिपी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान। तो जैसा कि दिवाली में लोग साफ़ सफाई करके थक जाते हैं, तो ये इजी कोकोनट रोल की रेसिपी को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और दिवाली में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो कोकोनट रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक बड़ा बाउल और उसमें हम डाल देंगे करीब एक कप कोकोनट का बुरादा, यानी कि नारियल का बुरादा। ये आसानी से शॉप पर आपको मिल जाएगा, तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग सही माप ले लें। तो यहाँ पर मैंने एक कप नारियल का बुरादा लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है और उसी कप से आधा कप पिसी हुई चीनी या फिर पिसी हुई मिश्री ले लेंगे। और यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर इलायची पाउडर डालने के समय मैं शूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक भी लम्स ना रहे इसमें। और मिक्स करने के बाद हम एक और बाउल ले लेंगे और इस मिक्सर को इक्वल पार्ट में दोनों बाउल में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों बाउल में मैंने इक्वल पार्ट में मिक्सर ले लिया है। तो एक बाउल को साइड में रख देंगे और एक बाउल में इस मिक्सर में हम, यहाँ पर मैंने रास्पबेरी रेड फूड कलर डाल दिया है। आप पाउडर फॉर्म में भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इसमें फूड कलर डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया रेड कलर आया है। उसके बाद हम ठंडा दूध ले लेंगे यहाँ पर और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर एक डो बना लेंगे इसका। दूध एक बार में ना डालें दोस्तों, वरना ये जो डो है वो गीला हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये डो बनकर तैयार हो गया है, कलर भी प्यारा लग रहा है। तो उसी तरीके से हम जो वाइट वाला मिक्सर था उसे भी अच्छा सा डो बना लेंगे। और इसके बाद एक प्लास्टिक का शीट ले लेंगे, किसी भी प्लास्टिक का शीट ले लें और उसे अच्छे से वॉश कर लें फ्रेंड्स। आप यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओवन का मेरा प्लास्टिक शीट रखा हुआ था तो उसको वॉश करके ले लिया है। आप कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक भी ले लें और उससे इस तरीके से स्लैब पर बिछा दें। उसके बाद यहाँ पर हम वाइट वाला पोर्शन लेकर गोल कर लेंगे और उस प्लास्टिक शीट पर रख देंगे और ऐसे फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद ये रेड वाला भी ले लेंगे और इसे भी गोल करके हल्का सा चपटा करके और उस वाइट वाले मिक्सर के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और दूसरा वाला प्लास्टिक शीट ऊपर से इसे रख देंगे और हाथों की हेल्प से, हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये दोनों मिक्सर जो है वो अच्छे से जॉइंट हो जाए। और उसके बाद बेलन की हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा थिक ही रखना है ताकि ये अच्छे से रोल हो जाए। तो इस तरीके से हम हाथों से चारों तरफ से इसे अच्छे से शेप दे देंगे और बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से इक्वल कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फिर उसे प्लास्टिक को ऊपर वाला जो है उसे हटा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर, वाइट एंड रेड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से फिर हम प्लास्टिक को ऊपर करते हुए रोल कर लेंगे इस तरह से। आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फिर एक चाकू की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया उसे हम अच्छे से इसमें जॉइंट कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा रोल भी कर लेंगे हम। और इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए प्लास्टिक को ऊपर से हटाएंगे और फिर से नाइफ की हेल्प से उसे अच्छे से जॉइंट कर देंगे। और इसी तरीके से हम पूरे रोल को रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से, और ये हमारा जो रोल है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इसे फ्रिज में हम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, फ्रीजर में नहीं फ्रेंड्स, फ्रिज में। देखिए फ्रेंड्स, 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला और एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो प्लास्टिक को हम उठा लेंगे रोल के साथ और प्लेट के ऊपर इस तरीके से पलट देंगे बिल्कुल सावधानी से, ताकि ये टूटे ना।
तो ये अच्छे से सेट हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, सेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सेट नहीं करेंगे तो अच्छे से कट नहीं होगा। ये देखिए, बिल्कुल ये सेट होकर तैयार हो चुका है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी सेट होने के लिए रख दें तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से कट जाएगा। ये देखिए, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से इसे हमें कट करना है, और इसे कट करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स, एक गेम की तरह हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो इस तरीके से हम सारे रोल्स को काट लेंगे, और ये देखिए इसके अंदर का कलर कितना बढ़िया लग रहा है, कितना प्यारा। तो है ना मज़ेदार ये मिठाई बनाना, बिना गैस जलाए, बिना किसी मेहनत के आप इसे आसानी से दिवाली पर बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने कटे हुए पिस्ते से इसे गार्निश कर दिया है, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर लें फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी ये मिठाई की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आप इस दिवाली साफ़ सफाई करके बहुत ज़्यादा थक गई हैं और आपको मिठाइयाँ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये इजी पेजी स्वीट बनाकर तैयार कर सकती हैं दिवाली में, बिना किसी फालतू मेहनत के। और इसे आप 2 से 3 दिन तक इंजॉय कर सकती हैं फ्रिज में रख के। तो ये देखिए, मैं इसे पास से दिखाती हूँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखने में जितना प्यारा लगता है, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो आपके परिवार को, आपके गेस्ट को, आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।